आज का इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे पता करेंगे कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, या फिर आपके बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक है भी या नहीं, आप चुटकी में पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र चले आना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है UIDAI, ये टाइप करके सर्च करना है। जैसे देखें यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, और नीचे स्लाइड करेंगे तो UIDAI का एक जो वेबसाइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी पे आपको क्लिक करके ओपन करना है, और यहाँ पे जब क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका वेबसाइट है वो किस लैंग्वेज में आप ओपन करना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में ओपन करना चाहते हैं उस लैंग्वेज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इस वेबसाइट में यानी आधार कार्ड जो वेबसाइट है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से नीचे स्लाइड करेंगे तो गेट आधार, यहाँ से आप अपना आधार कार्ड को मंगवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए आधार सर्विसेज, आधार सर्विस क्या है, आप वेरीफाई कर सकते हैं आधार नंबर को, उसके बाद मोबाइल नंबर को, यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको क्या है, इसी आधार सर्विस में आपको मिलेगा कि आप पता करेंगे कि आपके आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक है या भी नहीं। इसके लिए ऊपर आधार सर्विस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो आधार सर्विस का एरो है यहाँ पे, इसी पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आएगा। अब आधार सर्विस में क्या क्या सर्विस अवेलेबल है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अवेलेबल आधार सर्विस। नीचे यहाँ क्या है, पहला है वेरीफाई आधार, अगर आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड गुम हो चुका है, फट गया, तो यहाँ से आप नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, और नीचे सेलेक्ट करेंगे तो ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन है, यहाँ पे आप ऑफलाइन आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आधार लिंकिंग स्टेटस, इसी ऑप्शन पे नीचे देखिए लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू माय आधार, और इसी नीचे स्लाइड करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो यहाँ पे इस तरह से आधार कार्ड नंबर डाल लें। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये जो नीचे कैप्चा कोड देख रहे हैं इसको यहाँ पे डालना है। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैप्चा कोड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इसको यहाँ पे डालना है, इंटर कैप्चा यहाँ पे, और उसके बाद लॉगिन विथ OTP है यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। तो यहाँ पे जल्दी यहाँ पे डाल लेते हैं OTP, यहाँ पे इस तरह से OTP को डाल लेना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ पे देखें लॉगिन हो चुके हैं। अगर लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपका फोटो दिखाई देगा, अगर फोटो दिखाई दे रहा समझिए आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड आधार है, ऑर्डर आधार, PVC कार्ड है। नीचे और स्लाइड करेंगे तो आधार अपडेट यहाँ से कर सकते हैं, और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं बैंक सीडिंग स्टेटस, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहीं पे आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार में कौन सा बैंक लिंक है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे टिक लग गया है, और यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार बैंकिंग मैपिंग हैज बीन डन। नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आधार नंबर, ये जो आपका आधार कार्ड का नंबर है, और ये आपका बैंक का नाम है, यानी आपके आधार कार्ड में ये बैंक लिंक है। उसके बाद नीचे देखें बैंक सीडिंग स्टेटस, स्टेटस क्या है, एक्टिव है, यानी अभी तक एक्टिव है। और यहाँ देखें लास्ट अपडेट डेट, यानी किस समय किस डेट को आपने अपने आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक किया, वो यहाँ पे डेट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप घर बैठे मालूम कर सकते हैं, किसी का भी मालूम कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में या किसी का भी आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है।